अभिषेक, अभिषेक हमारे साथ बने हुए, उन्होंने ही बात की थी है। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जब बात की तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो नियत है उस पर सवाल उठाया कि किस नियत के साथ वो यहाँ मौजूद है और किस तरह का समर्थन कर रहा है। बिल्कुल, और देखिए उन्होंने एक बात और कहा है कि पाकिस्तान और अजरबैजान का ये बहुत ही पुराना आपसी टाई अप है, आपसी गठजोड़ है, और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें कोई संदेह नहीं कि पाकिस्तान इस पूरी प्रोसेस का हिस्सा है। एकदम क्लियर शब्दों में कहा है, एक डिप्लोमेट से इससे ज़्यादा क्लियर शब्दों की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। बहुत ही उन्होंने क्लियरिटी के साथ कहा है, और आगे ये भी कहा है कि चूंकि पाकिस्तान आर्मेनिया को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, तो ऐसे में टर्की और पाकिस्तान मिल करके वहाँ पर पूरी सिचुएशन को एस्केलेट कर रहे हैं, और ये सिचुएशन इस हद तक स्केलेट हो गई है कि यह मामला अब सिर्फ अजरबैजान बनाम आर्मेनिया का नहीं रह गया है, इस मामले के और भी कई सारे स्टेक होल्डर्स होते जा रहे हैं। सुमेरा, इसी पर जवाब ले लेते हैं। जावेद गफ्फारी साहब, आप बताइए, आप आर्मेनिया के राजदूत कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान हमेशा से इस तरह की हरकत करता रहा है, अभी भी कर रहा है। ये जो मॉरल सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, मॉरल सपोर्ट से ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं आपने वहां मर्सनरीज भेजे हैं, आपने अपने वो जो रिटायर्ड मिलिट्री के अधिकारी हैं जिनको आपको काम देना होता है उनको आपने वहां काम पर लगाया है। सुमेरा, सिर्फ और सिर्फ इल्जाम के बगैर इंडिया के पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान, आपने कहा अभी आपके पार्टिसिपेंट ने, आपने आर्मेनिया का पूछा, उसने कश्मीर पे लाग दिया, तो कश्मीर में बताएं, इसका मतलब है आप नाकाम हो चुके हैं, आप फेल हो चुके हैं। इंडिया कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अंदर 80 लाख से ज्यादा मिलिट्री रख के भी फेल हो चुका है। अभी आर्मेनिया पर बात करिए, अभी आर्मेनिया अजरबैजान पर बात करिए, वो है आपका नया बैटल ग्राउंड ना। इसी दिन करवाना चाह रहा हूँ ना, आपके पार्टिसिपेंट मुझे कश्मीर लेके गए हैं, मैं तो आर्मेनिया पे ही बात कर रहा था। एक प्रॉपर्टी दो दो के नाम, बिल्डर ने सौंपे जर्जर मकान, लखनऊ में करोड़ों का खेल, सरकार चुप, सिस्टम फेल। देखिए लूट घर रात 9:30 बजे।